अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामी फैंसी हैंस। अच्छा, आज सिल्वर सबराइट का शो करवाएंगे आपको। और देखें, अडल्ट हो चुके हैं ये, एक फीमेल इसमें से एग ले कर रही है। ये अगर जो मेरे पास है, ये जो दरमियान में घूम रही है, दूसरी ने अभी तक कोई भी एग ले किए, ये भी बेकायदगी से दे रही है। अभी कोई इसने बाकायदा शुरू नहीं किया है। दो तीन दिन देती है, फिर एक दिन छोड़ देती है। दो तीन दिन नहीं देती, एक दिन देती है, सॉरी। तो इसलिए अभी मैं इनके अंडे सेव नहीं कर रहा। अंडे जब बाकायदा देगी तो इंशाल्लाह फिर मैं इनक्यूबेटर में लगाऊंगा। और मुझे सिल्वर सबराइट बहुत पसंद है, पता नहीं मार्केट इनकी क्या है। शौकिया मैंने रखे हुए, गोल्डन सबराइट भी हैं, लेकिन मुझे सिल्वर सबराइट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आज धूप निकली हुई है माशाल्लाह से, मैंने कहा चलो आज इनको धूप लगवा लेता हूँ। आपस में लड़ते हैं अगर सारे इकट्ठे खोल दो तो, इसलिए इनको अलग अलग खोलता हूँ। और आज मैं आपको गर्म पानी के मतलब बताऊँगा। गर्म पानी मतलब कहवा, इनका एक काढ़ा बनता है, काढ़ा कह सकते हैं उनको, उसके बारे में बताऊँगा मैं आपको। वो इनके लिए मौसम सरमा में इंतहाई मुफीद है, उससे ये एक्टिव रहते हैं और इनके अंदर गर्माइश रहती है। इनको किसी किस्म का रेशा नहीं होता, इनका निज़ाम हाजमा अच्छा रहता है। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो इतनी महंगी नहीं है, मार्केट से इजीली अवेल हो जाती हैं। मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में गर्म पानी के मुतालिक वर्ड टू वर्ड बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ना, इनका जो खुड्डा है या पिंजरा है, पैमाने पे बर्ड्स पा रहे हैं, तो इनका जो बिस्तर है वो आपने खुश्क रखना है, कोशिश ये करनी है, और हवा में ना हो इनका बिस्तर। जैसे अक्सर लोग जालियां लगा देते हैं और नीचे से जगह खाली होती है और ये जाली के ऊपर घूमते हैं, एक तो इनके पाँव ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, दूसरा नीचे से ठंड आती है। जितना मर्ज़ी कवर कर लें, ज़मीन तो ठंडी होती है ना। तो कोशिश करें कि आप एक तूड़ी होती है, एक पराली होती है, ये ना रखें। कुछ लोग कहते हैं लकड़ी का बूरा, लकड़ी का बूरा नहीं रखते। लकड़ी के बूरे में कीड़े पड़ जाते हैं, ये जब ड्रॉपिंग करते हैं, बिठें करते हैं, तो वो गीले हो जाते हैं, तो उससे कीड़े पड़ जाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, लकड़ी का छिलका जो है वो आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा, जहाँ पे फर्नीचर का काम होता है। रंदा जो लगता है, रंदा समझते हैं, जो रंदा लगता है तो वो लकड़ी का छिलका निकलता है, तो वो छिलका आप मार्केट से लें, वो इनका बिस्तर बनाएं, उसमें ये इंतहाई खुश रहते हैं। और समझ लें इनके लिए वो पैम्पर का काम करता है, ये नीचे से गंदे नहीं होते उससे, तो ये एक्टिव रहते हैं। तो चलते हैं अभी गर्म पानी की तरफ। गर्म पानी कहवा या काढ़ा, वो बनाना इंतहाई आसान है, आप घर में बहुत इजीली बना सकते हैं और उसको सेव रख सकते हैं अपने फ्रिज के अंदर। फ्रिज नहीं है तो मौसम ठीक है, वैसे वो ख़राब नहीं होता, लेकिन फ्रिज में रख दें तो ज़्यादा बेहतर है। या आप बनाएं इतना जो हफ्ता एक चल जाए या चार पाँच दिन चल जाए। उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए अदरक, नंबर एक अदरक, नंबर दो लहसुन, ये तो हर घर में होते हैं, नंबर तीन काली मिर्च, नंबर चार सौंफ, नंबर पाँच अजवाइन, नंबर छः मलट्ठी, और अगर पुदीना मिलता है तो नंबर सात पुदीना। पुदीना खुश्क हो या दूसरा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लौंग है तो आप लौंग भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि गर्म पानी इसका नाम है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका तरीक़ेकार और इस्तेमाल भी बताता हूँ। आपने करना ये है कि एक मकदार में सब ले लेने, 10-10 ग्राम, ये सारे मुरकबात 10-10 ग्राम ले लें। इनको आपने 5 लीटर पानी में उबालना है, और तब तक उबालना है कि जब तक पानी आधा ना हो जाए, मतलब 2.5 लीटर ना हो जाए, इनका काढ़ा तैयार हो जाएगा। उसमें जब वो कड़ जाए तो आपने थोड़ा सा काला गुड़ लेके उसके अंदर डाल देना है और थोड़ी देर के लिए और पकाना है, ताकि वो अच्छी तरह हल हो जाए।
फिर आपने इसको छान लेना है ठंडा करके, फिर किसी बॉटल में बर्तन में सेव कर लेना है। फिर जब आप सुबह के वक्त इनके आगे पानी रखते हैं तो आपने करना ये है कि आधा फ्रेश वाटर नीम गरम और आधा ये कहवा फ्रेश फ्रेश ही होगा बनाया, तो वो इसके अंदर मिक्स करके इनके आगे रख दें, बेशक ये सारा दिन पीते रहें। जब वो 8 घंटे गुजर जाएं तो फिर आप उसको हटा लें, आप उनको फ्रेश वाटर फिर डाल सकते हैं, लेकिन सर्दियों में कोशिश किया करेंगे कि पानी को हमने नीम गरम करके ही देना है। हमारी बीमारी जो है 70% वो इसी वजह से आती है कि हम लोग जो पानी है इनको ठंडा दे देते हैं, जिसकी वजह से इनका गले ख़राब हो जाते हैं। अब लट्ठी के फ़ायदे ये हैं कि वो रेशा नहीं होने देती, ये घुंघरू बीमारी और ये रानी खेत में जो रेशे हो जाते हैं आँखों में मुंह में, तो इंशाल्लाह आपके ब्लड को रेशा नहीं होगा, आपका ब्लड गर्म रहेगा और इंशाल्लाह एक्टिव रहेगा। तो ये आप बनाएं, ये बहुत सस्ता और आजमूदा नुस्खा है, इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगा। और मेरे जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। और इंशाल्लाह ऐसी मालूमाती वीडियो जो मेरे नाकारा तजर्बे से मैं आपको देता रहूँगा, और अब कोशिश यही है कि इसको रेगुलर चलाऊँ, और अब आप भाइयों के लिए मैं नई नई वीडियोज़ लेकर आऊँ और जिससे आपको भी कोई फ़ायदा पहुँचे और मुझे भी। दुआ में याद रखिएगा आपका भाई कामरान। अल्लाह हाफिज़।